मटन का वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आता है हमको पर्सनली, आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा आता होगा क्योंकि आप लोगों को भी रेसिपी वगैरह देखने में काफ़ी मज़ा आता होगा। उससे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई नया जगह ढूंढ के निकाले, तो आज हम ढूंढ के निकाले एक हिडन जेम, वो भी मोतिहारी में, और मोतिहारी में जो है 60 साल से खिलाया जा रहा है मटन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए से वीडियो में। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यमुना होटल, जहाँ पे जो है लगभग 150 किलो मटन बनाया जाता है, 150 किलो मटन यहाँ पे दिन भर में बनाया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे कैसे यहाँ पे मटन बनाया जाता है, कैसा टेस्ट होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सुबह सुबह जो है बड़ा सा भगोना है, इसमें जो है अभी लगभग 50 किलो मटन बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फुल रेसिपी, करते हैं यहाँ का मटन टेस्ट और बताते हैं यहाँ का मटन होता कैसा है। फिलहाल यहाँ पे मटन बनने का जो है प्रोसेस वो चालू हो चुका है। इसमें जो कितना प्याज डाले अंकल? 50 किलो। अच्छा, और क्या सब इसमें गया है? इसमें गरम मसाला है, इसमें जीरा मरीच है, अच्छा केसर है, अच्छा शुद्ध घी है, अच्छा सब है। अच्छा, तेल वगैरह सब डाले? हाँ, तेल 5 किलो है। अच्छा, 50 किलो में 5 किलो मैंने करुआ तेल है, आपको एक नंबर हाथी था। अच्छा, कितना मटन बनने वाला अभी? 50 किलो है। अच्छा, 50 किलो मटन बनेगा अभी? बनेगा अभी 2 राउंड और बनेगा। अच्छा, 2 राउंड और बनेगा अभी? 2 राउंड और, सब बड़का बड़का कढ़ाई है। हम सबसे पुराना मोतिहारी में हम ही है, हमारे बाद में कोई है? सबसे पुराना यही होटल है? हाँ, सबसे पुराना हमें, हमारे पहले कोई था ही नहीं मोतिहारी। दिन भर में कितना मटन बन जाता है यहाँ पे? एक से डेढ़ क्विंटल। एक से डेढ़ क्विंटल? हाँ। प्याज गलने लगा है? अच्छा, ये सारा पानी जो है प्याज का ही है? हाँ, इसमें पानी वानी नहीं डाला गया। अच्छा, पानी डाल देंगे तो पान छूर छूर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब मटन जा रहा है ना? जी। अच्छा, ये पूरा जो है बाल्टीन में भर भर के मटन रखे हुए हैं? हाँ, 50 किलो का है। 50 किलो का है? अच्छा, मटन आप खुद से ही बनाते हैं? अपने सामने कटवाते हैं, सामने जब्बे कराते हैं, सब सामने, सब कुछ सामने सामने। अच्छा, पीछा में नहीं। ये होटल आप ही स्टार्ट किए थे? हाँ। कितना साल हुआ इस होटल का? जिस दिन 7 दिन सूरज भगवान दिखाई नहीं दिए थे ना। अच्छा, 1962 में? 1962 में जी। अच्छा, उस समय ये दुकान नहीं था, वहाँ दुकान था, वहाँ पर सामने रोड उस पार का था, 8 फीट का रोड था। अच्छा, इधर है यही वो, ये सब हम वहाँ से भागते भागते यहाँ आए, वहाँ से घसकते यहाँ पर आए। अच्छा, रोड जो चौड़ा हुआ उसके लिए घसकते यहाँ पर आए हैं? पहले वहाँ पर थे, हुए उधर वाला 8 फीट का रोड था। अच्छा, 4 बजे मोतिहारी बंद हो जाता था। मटन का रेट क्या है अभी? तो 600 रुपये रेट है, लेकिन हम लोग 550 रुपये खरीदते हैं खसी। अच्छा, सब खसी है। ये कलेजी जो इतना बड़ा बड़ा है, ये दिखाइएगा थोड़ा। एक थान है? एक थान का है। हाँ, इसको कटिंग करके देते हैं? हाँ, इसमें से कटिंग पीस बना कर देते हैं। अच्छा, इसलिए कि भूला जाता है, मिलता नहीं है जल्दी ग्राहक को देने के लिए, अब बड़ा रहता है तब मिल जाता है। हाँ, इतना बड़ा भगोना है, इसमें 50 केजी मटन बन रहा है, तो काफ़ी मेहनत लगता होगा ढूंढने में। हाँ, कितना टाइम में बन के रेडी हो जाएगा? बस एक घंटा। एक घंटा में तैयार? खस्सी का मीट बनने में कितना टाइम लगेगा? एक घंटा। आप ही कारीगर लोग को सिखाएं यहाँ पे मटन बनाने? हाँ। आप कहाँ से सीखे थे? हमारा कहानी सुनिएगा तो बहुत बड़ा है। एक ही स्कूल था, मोलैया स्कूल, बांके बाबू और श्री बाबू के पीछे, तीसरा क्लास में पढ़ते थे। रोज एक पन्ना मार्ट साहब को सुनाना पड़ता था जी। मार्ट साहब आए, कहे कि सुनाओ तू, हमारा कांडा उठा कर औंगड़ी में डालकर और कोस के दाब दिए, वो हम छूल दे मुँह दिए तो हमको खीस भर गया कि आज साले बिना मरले तुमको नहीं छोड़ेंगे। आधवान ईटा उठाए हम मारे उसके माथा पर। अच्छा, बलागा ब्लडिंग देने पूरा छर 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 छर, वो हम डोले भाग गए। घर पर जाने के बाद संदूक में हुक तोड़ दिए और तोड़ के जो है सो गागरा में जितना सिक्का पहल का चांदी सिक्का था, अच्छा सब सिक्का पैकेट में भर लिए, भागे यहाँ से गए समस्तीपुर। अच्छा अच्छा, समस्तीपुर गए तो चिचिया रहा था, लखनऊ के लिए ट्रेन खुल रहा है, वहाँ से भाग के चले गए लखनऊ। मतलब मास्टर साहब को मारे, उसके डर से भाग गए लखनऊ। हाँ, लखनऊ में फिर 7 साल काम किए,
फिर वहाँ से आ गए मोतिहारी, अपना शुरू कर दिया। अब इसमें जा रहा है हल्दी, हल्दी डालने का टाइम हो गया है ना? हाँ। अच्छा, हल्दी डलाएगा, मर्चा डलाएगा। अच्छा, अभी कितना हल्दी जा रहा है इसमें? लगभग इसमें 200 ग्राम 200 ग्राम मिर्च पाउडर 200 ग्राम 200 ग्राम मिर्च पाउडर बस हो गया। अच्छा, अभी ये प्याज गला नहीं है, गल जाएगा? मीट के साथ साथ गल जाएगा, मीट और प्याज दोनों एक साथ हो जाएगा। एक साथ? हाँ। प्लेट के हिसाब से कैसे मटन मिलता है? 240 रुपये प्लेट है, 6 पीस। चार पीस? 6 पीस। 6 पीस। हाँ। दो पीस का? 2 पीस का 80 रुपया। एक प्लेट खाना का दाम है जैसे हम लिखे हैं जी, 3 पीस मीट, 1 प्लेट चावल 150 रुपया। अच्छा, अब मान लीजिए कि 80 रुपया का वो हुआ, 30 रुपया का चावल हुआ, 110 रुपया 2 पीस का ही है तो। अच्छा, अब 3 पीस का 150। 77 वर्ष का उम्र हुआ, लेकिन वो चीज़ जिसके लिए भागे, जिसके लिए कपार फोड़े मार साहब को, वो हमको आज भी याद है। वो हुआ बेटाए हमको वहाँ से आने के बाद, एक दिन चाय पी रहे थे गोवर्धन जी के पास, जाके पर चुके हम प्रणाम किए, तो कहे कि कर खचड़वा कब अल हम कहिए गया आयला हो गए 2-3 महीना भेटाइला नहीं। अभी गरम मसाला चल गया ना? हाँ। अच्छा, अब इसमें और कोई भी मसाला जाएगा? लास्ट में फिर मसाला कूट के डालेंगे। अच्छा, तैयार हो जा रहा है तो। अब वैसे कितना खस्सी का माल है? आई 6 गो खस्सी है। 6 खस्सी का? हाँ। काफ़ी चर्बीदार मटन लग रहा है। हाँ, 6 गो 50 किलो, 51 किलो हुआ है, 3 किलो दूसरा आदमी ले लिया है। अच्छा, आप खुद से जाते हैं मटन लाने? सब हम अपने खरीदते हैं, जिंदे में खरीदते हैं। जिंदे में खरीद लेते हैं? हाँ। उसको कटवा के लेके आते हैं? हाँ, सामने कटवाते हैं, सामने बनवाते हैं। कलर जो है काफ़ी बढ़िया सा आ गया, ये देखिए। और चुस्ता सब भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। हाँ, सब होता है? सब काट के दिया जाता है, पीस बना के। पीस बना के? हाँ। अच्छा, तो कलेजी देख सकते हैं आप, ये देखिए कलेजी जो है काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, तो ये जो है पीस बना के दिया जाता है। हाँ, एक थान को एक वो खसी का कलेजी है। अच्छा, ये जा रहा है टोटल मीट मसाला? हाँ। और सुगंध जो है अभी से आना स्टार्ट हो गया है। कितना पैकेट मीट मसाला जा रहा है? 4 पैकेट। इसको चलाने में जो है काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है ना, हम लोगों को आदत है, ताकत नहीं लगता है। अच्छा, ये जा रहा है लाल मिर्च। अच्छा, जानते हैं क्या सुनाना था? अब सुनिए, इतना बरस का उम्र हो गया लेकिन पढ़ना हमको आज भी याद है। हमको सिर्फ सुनाना था, भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत देती है, सुंदर सुंदर बछड़े देकर बदले में क्या लेती है, दिन भर बनू कौन में चढ़कर संध्या को घर आती है, भूसा चोकर जो कुछ मिलता बड़े प्रेम से खाती है, इनका दूध बड़ा ही मीठा, जो खाए मजबूत बने। इतना ही हमको सुनाना था। आज 77 वर्ष का उम्र है लेकिन आज भी हमको याद है। आज भी याद है? आज भी याद। इसी चीज़ के लिए आप मार खाए थे? इसी के लिए मार खाए थे, इसी लिए हम कपाट फाड़े थे मास्टर को, और उसी जोड़े हम लखनऊ भागे थे। ये जा रहा है दूसरा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें लगभग अभी कितना चुस्ता है के में? 6 गो माल नहीं है, 6 गो चुस्ता है। अच्छा, एक माल में एक चुस्ता होता है, एक कलेजी का थान होता है, एक दिल होता है, 2 गुर्दा। एड्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे कोई मटन खाने के लिए आएगा तो? गांधी चौक मीना बाजार मोतिहारी। अच्छा, गांधी चौक बगल में, उसके जस्ट बगल में ही 10 कदम पे ये जी यमुना होटल। हाँ। अच्छा, अब क्या जा रहा है अंकल? गरम मसाला है। अच्छा, ये पूरा कूट के डालते हैं? हाँ, कूट के, केसर गरम मसाला सब एक में। अच्छा, अभी से जो है रोगन वगैरह आना स्टार्ट हो गया है? वो आ जाएगा तैयार, तो मास कोई भी बनेगा तो रोगन आ जाएगा। अच्छा, ऐसे पीस वगैरह भी काफ़ी बड़ा बड़ा है ना? 1 किलो में 16 पीस होता है। 16 पीस। अच्छा, ये गर्म पानी डाल रहे हैं? हाँ। चर्बी वगैरह काफ़ी मात्रा में डाले हुए हैं ना? ये तो मासे चर्बीदार खर्चा होता है। अच्छा अच्छा, अलग से कोई चीज़। अब इसमें जो है डाला जा रहा है नमक, ये देखिए पूरा जो है सबसे लास्ट में जो है नमक डाला जाता है, पानी वगैरह सारा कुछ डालने के बाद। ये 12 आना मीट हो गया है। अच्छा, 4 आना कसर है, तुरंत हो जाएगा। अच्छा, एक तरह से ये समुंदर है मटन वाला ना, पीस इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए छोटा नहीं डाला जाता है, बड़ा रहता है तुरंत मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे मटन का कलर देख सकते हैं, पूरा जो है रोगन जो है इसमें तैर रहा है। अब प्याज अभी थोड़ा थोड़ा खड़ा है,
ये बिल्कुल जो है गल जाएगा अभी, और इसमें जो है लगभग 10 मिनट लगेगा, लेकिन कलर जो है अभी से आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो है अभी मटन बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे अंकल वेट कर रहे हैं मटन खाने के लिए। होता है बहुत बढ़िया लगता है, बहुत टेस्ट लगता है। अच्छा चलो, कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं मटन खाने के लिए? हम तो समझिए कि आपको जब से ऑटो चलाते हैं तब से, हम 15 साल हो गया। हाँ, हफ्ता में 2-3 बार हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, वैसे अभी लोग जो है अंदर में भी वेट कर रहे हैं खाने के लिए, तो अभी इसमें 10 मिनट है। यहाँ पे लोगों से जो है इंतज़ार नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ पे कस्टमर लोग जो है अपना प्लेट लगवा के सभी मज़े से जो है खा रहे हैं मटन, ये देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो है मटन चढ़ा हुआ ही है, लेकिन आप लोग लेके खा रहे हैं, कैसा लग रहा है खाने? ठीक है। अभी पहली बार आए खाने के लिए? हाँ, पहली बार। पहली बार आए। कलेजी को काट रहे हैं ना? हाँ, कलेजी है, तिल्ली है। अच्छा अच्छा, कुत्ता है, सीना है, मतलब जैसा कस्टमर ढूंढते हैं जो पीस वो पीस उनको दिया जाता है। हाँ। अच्छा, ये पूरा थान ही रखते हैं इसके अंदर? हाँ, पीस काट देंगे ना, जल्दी हाँ। नहीं मिलता। अच्छा, नहीं मिलेगा जल्दी? हाँ। वैसे यहाँ पे जो है अंकल खड़े होके मन पसंद पीस ले रहे हैं। जी जी जी, ले रहे हैं। कैसा होता है यहाँ का मटन? यहाँ का मटन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जो है सुगंध भी काफी अच्छा आ रहा है इसमें से। सुबह सुबह भी टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा। नाश्ता में आप मटन ही खाने के लिए आए क्या? जी जी जी, मटन खाने के लिए आए। अच्छा, फाइनली यहाँ पे आपको हम मटन का लुक दिखाते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है देखने में, काफ़ी जो है कलर है, और रोगन देखिए कितना तैर रहा है ऊपर से, पूरा जो है सुगंध जो है काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और यहाँ पे खड़े होके अगर आप मटन देखते, अगर मटन का सुगंध लेते, तो आपको भी खाने का मन करता। चलिए हम अपने लिए भी लगवाते हैं प्लेट, तो मेरे लिए भी प्लेट लगा दीजिए। अच्छा, नली वाला पीस मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा ना। ए, नली वाला पीस निकाल, मनपसंद पीस सबको मिलता है, जो पीस चाहिए सब मिलेगा। अच्छा, तुस्ता, कलेजी, सीना सब? हाँ, रान। देखिए अंकल भी जो है मनपसंद पीस ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, पूरा चर्बी ले रहे हैं ना। चर्बी। तो फाइनली यहाँ पे हमारा मटन चावल रोटी लग के हो चुका है रेडी, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं साइड। ये देखिए, वैसे आप मटन का कलर देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन कलर है, और रोगन वगैरह भी साइड से काफ़ी बढ़िया सा आया है। तो करते हैं सबसे पहले रोटी के साथ टेस्ट। वैसे जो है देखने में जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा था, बनाए भी गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आ गया ग्रेवी और रोटी। और बहुत ही लाजवाब, पहला बाइट जो लिए काफी मजा आ गया खाने में, थोड़ा सा और खाते हैं। इसमें जो है मसाला वगैरह, मसाला सबका जो है क्वांटिटी जो है पूरा अच्छे तरीके से यूज किया गया, और काफ़ी बेहतरीन बना भी है। ऐसा नहीं कि कोई मसाला ज़्यादा है कोई कम है, तीखा वगैरह सारा जो है एकदम प्रॉपर है, और फ्लेवर भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, हर एक मसाला का फ्लेवर इसमें आ रहा है। अब देखिए ये मटन, मटन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से पका गया है, ये देखिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा गर्म है इस वजह जो है सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो करते हैं मटन को टेस्ट। आ गया मटन का पीस, थोड़ा सा ग्रेवी। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो मटन जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और मज़ा भी आ रहा है खाने में, हर एक मसाला का फ्लेवर जो है बढ़िया आ रहा है। ये देखिए पूरा जो है मटन को जो है छोड़ दिया गया है, टेस्ट ऐसा है, ऐसा टेस्ट आपको पटना में भी मिल जाएगा, सचिवालय रोड में, और विजय होटल का जो मटन होता है सेम उसी के जैसा टेस्ट यहाँ भी लगा। तो हम करते हैं चावल के साथ टेस्ट। ये आ गया चावल, और ग्रेवी लिए उसके ऊपर, हल्का जो है इसमें खड़ा खड़ा सा प्याज भी है, थोड़ा सा मिठास आ रहा है प्याज का। और
काफ़ी सही सा मटन लग रहा है। और यह दो पीस अगर आप मटन लेते हैं तो सिर्फ आपको 80 रुपया में मिल जाएगा, 80 रुपया में दो पीस मटन। अभी जो है सुबह 9 ही बजा है, लेकिन हम अपने लिए प्लेट लगवा लिए और काफ़ी लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं खाने के लिए। और जब खाने का टाइम होता है तो तब तो भाई साहब यहाँ पे खाने का जो क्राउड होता है, भीड़ होता है, काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे। अगर आप आते हैं मोतिहारी या फिर मोतिहारी से हैं, एक बार यहाँ पे आके आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ का मटन, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि यहाँ का मटन आपको कैसा लगा। वैसे हमको तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है खाने में, काफ़ी आनंद ले सकते हैं यहाँ का मटन खाते हुए। तो चलिए करते हैं इस मटन को ख़त्म और आपसे मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे जगह पे नए टेस्ट के साथ। अगर आपको मोतिहारी में और भी कहीं आपको अगर मटन का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप हमको एड्रेस बताइए, उस जगह पे पहुंच के आपको वहाँ का रेसिपी दिखाएंगे कैसे वहाँ पे बनाया जाता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।